क्रिकेटर मोहम्मद शमी को सामने वाले बैट्समैन की विकेट उड़ाने की आदत है, लेकिन इस बार उनकी बीवी ने ही उनकी सारी किल्लियां उड़ा दी। उसने जो मेरे साथ किया है मैं उसे सबक सिखाऊंगी। तो भैया ये नो बॉल कहां से आ गई? आखिर इस तेज गेंदबाज की जिंदगी में गुगली कहां से आ गई? हसीन की शिकायत के 3 दिनों के अंदर ही कोलकाता पुलिस ने मार्च 2018 में शमी पर 498 ए डोमेस्टिक वायलेंस के इल्जाम में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 1983 धारा 498 ए भारत के कानून में जोड़ा गया, जिसे महिलाओं को पति और दहेज जैसे अत्याचारों से बचाने के लिए तारीफ मिली। बोल अपने बाप से कि मेरे लिए गाड़ी खरीदे। बोल। वो मुझे हमेशा मारता है, मेरे परिवार से दहेज मांगता रहता है। कुछ औरतें खास तौर से शिक्षित और मध्यम वर्ग के पति को ब्लैकमेल करने के लिए इस कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं। यदि शादी के 7 साल के अंदर ऐसे आरोप पति पर लगाए जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी पक्की है। ऐसे ही गलत इस्तेमाल के कई दस्तावेज मिलने पर कुछ लोगों ने इसे नया कानूनी आतंकवाद का रूप दे दिया है। ज्यादातर शिकायतों में काफी गर्मा गर्मी होती है, जिससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट 2017 के राजेश शर्मा मामले में देखा जा रहा है कि महिला इसका गलत उपयोग कर रही है, इसलिए कोई ऑटोमेटिक गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक शिकायत की जांच समिति द्वारा ना की जाए। अब शमी का ही मामला ले लीजिए। होली तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। शमी अपनी पत्नी हसीन जहां के लिए खुलेआम इस्लामवादियों से टकराए, जिन्होंने कुछ पिक्चर पोस्ट करने के लिए उन्हें ट्रॉल किया था। मेरी वाइफ और मेरी बेटी मेरी लाइफ पार्टनर है और मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर ऐसी क्या गड़बड़ी हुई कि ये हुआ? उसका कई लड़कियों के साथ नाजायज संबंध है और मेरे साथ बदसलूकी करता है। पाकिस्तानी मॉडल के साथ उनका चक्कर था या नहीं, लेकिन उनकी बीवी को घर का मैल या परेशानियों को बाहर दिखाने की जरूरत थी क्या? फिर उन्हें बदनाम करने के लिए पूरे परिवार पर आरोप लगाया। 307 हत्या का प्रयास, 376 बलात्कार, 506 धमकी, 328 जहर देकर नुकसान पहुंचाना इत्यादि। इसके बाद तो उन्होंने शमी के क्रिकेट करियर को खत्म करने की भी कोशिश की। अगर मोहम्मद शमी मुझे धोखा दे सकता है ना, तो अपने देश को भी धोखा दे सकता है। उसने अपनी पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड के साथ मैच फिक्सिंग की थी। बीसीसीआई की कार्यकारी समिति भ्रष्टाचार विरोधी के प्रमुख नीरज कुमार से मिली। आप मोहम्मद शमी के खिलाफ लगे आरोपों की रिपोर्ट को ठीक 7 दिनों में जांच कर लें। ऐसा लग रहा था कि 27 साल की उम्र में ही जब वो इंडिया के खास खिलाड़ी बन सकते थे, उनका क्रिकेट करियर खत्म होने की कगार पर आ गया था। अगर वो दोषी ठहराए गए तो बीसीसीआई से 3 करोड़ और दिल्ली डेयर डेविल से मिले 5 करोड़ का नुकसान हो सकता था। वैसे भी ये साल उन्होंने दिल्ली के लिए सिर्फ 4 मैच ही खेले। माना कि शमी ने कुछ गलतियां की, पर उनकी पत्नी भी कुछ कम नहीं, वो हमेशा सोने के अंडे की तलाश में रहती थी। कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब ये पता चला कि हसीन ने अपने मैरिज सर्टिफिकेट में झूठ बोला था। एबीपी न्यूज ने हसीन के पहले पति शेख सैफुद्दीन का पता लगाया, जिसके साथ उनकी 2 बेटियां भी थी। वो बहुत बड़ी बनना चाहती थी और मैं ठहरा एक छोटा आदमी, इसलिए उसने मुझे 2010 में तलाक दे दिया। अपने पति को छोड़कर हसीन आईपीएल में चीयर लीडर बन गई। दोनों की चंचल निगाहें टकराई और शादी हो गई। जल्द ही बीसीसीआई की भ्रष्टाचार विरोधी टीम ने शमी को क्लीन चिट दे दिया। शमी को टीम इंडिया में ग्रेड बी में रखा जाएगा। चलो ये मुसीबत तो टली। मैं अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू करना चाहूंगा, जहां मेरी बेटी की देखभाल पर ध्यान दे सकूं। क्या आपको पता है कि दुनिया के सारे युद्ध और आतंकवाद मियां बीवी के झगड़े की तुलना में 25 गुना ज्यादा नुकसानदेह होते हैं? हर एक घटना से औरत अपने 5.5 दिन गवा देती है, जो अगर वो काम में लगाए तो वो खूब कमाती। इस गवाई हुई कमाई का मूल्य 13,000 करोड़ रुपए है। 15 से 49 उम्र की महिलाओं में हर 4 में से 1 या करीबन 5 करोड़ औरतें पति के हाथों दुर्व्यवहार झेलती हैं। कानूनी कदम उठाने से पहले ये अच्छा होगा कि बुजुर्गों और संस्थानों की सलाह लें। हर शादी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, क्योंकि पुलिस जो दिन भर हत्या और हत्यारों के बीच घिरे रहते हैं, वे इन नाजुक घरेलू मामलों को संभालने के काबिल नहीं होते। देखिए, हम शरीर की मार को तो देख सकते हैं, मगर मानसिक मार को हम कैसे देखेंगे? देखा जाए तो अधिकतर मामलों में महिलाएं ही अत्याचार सहती हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आजकल इसका उलट हो रहा है? 40 साल पहले उसने मेरे साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया। लिव इन रिलेशनशिप जब खत्म होते हैं तो वो भी अक्सर अदालतों में खींचे जाते हैं। मुझसे शादी का वादा किया था,
अब छोड़कर चला गया। मेरे साथ धोखा हुआ है। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने से घरेलू हिंसा की घटना आधी हो जाती है। महिला की वकालत समूह न्यायधर ने 2017 की झूठी गिरफ्तारी रोकने के लिए कानून के फैसले का विरोध किया। कि ये निर्णय बेबस औरत को तकलीफ में डाल सकता है जिसके लिए ये कानून बना है। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर तर्क के दोनों पक्षों को सुनेगी और एक संतुलित कानून बनाने की कोशिश करेगी। भारतीय कानून में सबसे बड़ी समस्या ये है कि झूठे आरोपों के लिए कोई परिणाम नहीं। अगर हसीन जहां कोर्ट में हार भी जाती है तो भी शमी का डूबा हुआ करियर और खोया हुआ मान सम्मान वापस नहीं मिल सकता। भारत को इस नए कानून की सख्त जरूरत है जो झूठे आरोपियों को भारी दंड दे। बिस्बो की शायरी। नारी के हित में बना कानूनी हथियार, घर में हिंसा से बचे है उसका अधिकार, कहीं कहीं पर हो रहा इसका दुरुपयोग, इसके अंदर फंस गए पुरुष कई निर्दोष, बने सख्त कानून कुछ मिले उन्हें भी दंड, सच्चाई पर डालते जो है झूठ के रंग। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो आइए बन जाइए बिस्बो के दोस्त और सब्सक्राइब करके हमारे फ्री मेंबर बन जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।